Hey kids, welcome to this amazing lesson. अब तक हम देख चुके हैं कि हमने DNA isolate कैसे किया है. We have seen the complete process of recombinant DNA technology. अब ये isolated DNA को हमें host cell तक पहुंचाना है. And host cell तक हमें पहुंचाने के लिए कौन मदद करेगा? Yes, हमारा cloning vector. That is nothing but the vehicle which is used as a carrier for your DNA. Correct? So in this lesson, let's try talking about the various types of cloning vectors. बात करते हैं अलग अलग types of cloning vectors की, वो किस तरह से काम करते हैं and so on. So, ये cloning vectors basically क्या role play कर रहे हैं हमारे लिए? What are they acting as? They are acting as either carriers or simply as vehicles. Correct? Carriers or vehicles. This is how they are acting for us, right? So, let's try talking about these cloning vectors in details. Well, हमने ये तो कह लिया कि DNA को हमने isolate कर दिया है, अब उसको host cell में डालेंगे, vehicle से डालेंगे, लेकिन ये vehicle इतने simple थोड़ी होंगे, ये vehicle normal vehicle की तरह थोड़ी है कि हमने उसमें डाल दिया DNA और ऐसे ही लेके चले गए. Vehicle की भी कुछ तो capacity होगी, कुछ compatibility होगी. वो vehicle host cell से डरना नहीं चाहिए, host cell में जाके उसको delivery करके आना चाहिए. All these things will make us classify vectors in various types. क्यों क्लासिफाई करेंगे? आप सोचो कि एक ही तो व्हीकल है, डाल दिया डीएनए बात खत्म. ऑफ कोर्स नॉट. एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया में वो व्हीकल जाकर आपका डीएनए पहुंचा रहा है, सो वो बैक्टीरिया में वो व्हीकल को एंट्री तो मिलनी चाहिए. ये सारे फैक्टर्स हमें एनेबल करते हैं अपने पूरे सिस्टम ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स को क्लासीफाई करने के लिए. बहुत से टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स होंगे, जिनमें से फर्स्ट फोर मेजर टाइप्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम अपने सिलेबस में स्टडी करेंगे. यस, the first ever type that we will be studying are your plasmid vectors. Yes, सबसे पहली category आती है plasmid vectors की. अब ये plasmid vectors होते क्या है? We know what are plasmids. Basically, plasmids are extra chromosomal DNA found in certain bacterium. मतलब खुद का genomic DNA तो है वो nucleoid region. उसके साथ ही बाजू में they have some special characters. Sometimes, जैसे antibiotic resistance है या कोई और चीज़ का resistance capacity है, production of antibiotics है, ये सारी चीज़ों के लिए उनके पास जो nuclear DNA है, that is the nucleoid region, वो काफ़ी नहीं है. उसके लिए उनके पास होता है एक extra copy of extra chromosomal DNA, मतलब जो nucleoid है उससे अलग DNA होना चाहिए उनके पास. Correct? That is your plasmid. So, are we exploiting the plasmid as vectors? Yes. हम इधर आर्टिफिशियली बनाते हैं, मतलब हम नॉर्मल बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेते हैं, उसमें हम डालेंगे अपना डीएनए, यस, एंड वो प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में डालेंगे. तो वो प्लाज्मिड इज लाइक अ व्हीकल, क्योंकि उसने अपना डीएनए कैरी कर लिया है वो बैक्टीरिया में जिसमें हम डाल रहे हैं, एंड देन इट विल रेप्लीकेट ऑन इट्स ओन. ना बैक्टीरिया में नेचुरल प्रोसेस से रेप्लीकेट होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका प्रोडक्ट बहुत सारे क्वान्टिटी में बनेगा. दिस इज हाउ वी वर्क. सो ये प्लाज्मिड वेक्टर्स यूजुअली होते कैसे? दे आर डबल स्टैंडर्ड. यस, डीएनए है तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होते हैं. सर्कुलर होते हैं, अभी जैसे देखा हमने. यस, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. यस, दिस इज व्हाट द प्लाज्मिड वेक्टर्स विल बी. अब ये जो प्लाज्मिड वेक्टर्स है, इनको, ये प्लाज्मिड्स को बेसिकली वेक्टर्स करके एक्सप्लॉइट करने का दिमाग किसने यूज़ किया था? बेसिकली बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स, ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए स्पेशली ई कोलाई पे. सो इनके दिमाग में ये आया कि यार प्लाज्मिड को भी हम वेक्टर करके क्यों नहीं यूज़ कर सकते. सो देन दे कैरीड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन ई कोलाई में. सक्सेसफुल डीएनए ट्रांसफर उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ. यस, द वन विच दे यूज अ प्लाज्मिड विच दे कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया था दैट वॉज कॉल्ड PBR322. पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, बी एंड आर स्टैंड्स फॉर बॉलिवर एंड रॉड्रिक साइंटिस्ट के नाम,
and 322 is the number of successful plasmid that they found. मतलब ऐसे नहीं है ना कि plasmid लिया, DNA ले लिया, उसको seal कर दिया and भेज दिया. ऐसे तो नहीं होगा. You have to carry out series of experiments. वो DNA ligate successfully होना चाहिए, वो bacteria में जाना चाहिए successfully and bacteria में replicate होना चाहिए successfully. Three successful steps for a successful experiment. तो ये 322 एक्सपेरिमेंट जो उनका था, 321 तक शायद फेल हो गया, 322nd एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, हेंस दैट प्लाज्मिड वाज कॉल्ड 322. ऐसे ही बायोटेक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. सो दे नेम्ड इट एज PBR 322. ऐसे ही बहुत सारे प्लाज्मिड्स को हम मॉडिफाई करके उनको ही व्हीकल यूज करके बैक्टीरिया में वापस डाल सकते हैं, सो दैट दे विल रेप्लिकेट ऑन योर ओन एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज वेरी मच राइट. ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज प्लाज्मिड वेक्टर्स की बात. अब ऐसे ही बैक्टीरिया में हमें डालना है डीएनए, ये सारे व्हीकल्स है ना, तो सेकेंड टाइप ऑफ व्हीकल जो हम डालेंगे दैट इज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज वायरस है, मतलब हम इन्फेक्शन कराएंगे बैक्टीरिया को. ऑफ कोर्स व्हाई, बिकॉज दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल स्टेप ऑल्सो. यस, लेट्स ट्राई टॉकिंग अबाउट फर्स्ट बैक्टीरियोफाजेस इन डिटेल्स. लेट्स पुट इट अप हियर. Yes, we have bacteriophage vectors. Correct? Bacteriophage मतलब, phage मतलब phagocytosis, जो bacteria को खा रहे, phagocytosis bacteria का कर रहे हैं. मतलब ये करते क्या है, ये basically जनाब bacteria पे जाके बैठेंगे, अपना DNA अंदर डालेंगे and अंदर उनका डीएनए, दे आर वेरी स्मार्ट, ऐसे डालेंगे कि आपके बैक्टीरिया के डीएनए में वो मिक्स हो जाए क्रोमोसोमल डीएनए में एंड खुद ब खुद रेप्लिकेट हो. अब खुद रेप्लिकेट होगा, खुद ही कॉपीज बनाएगा, तो प्रिटी ऑब्वियस है ना कि आपको आपका प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा. अब ये तो उसकी इन्फेक्शन स्ट्रैटेजी हो गई. तो आप स्मार्टली क्या करोगे, आप बैक्टीरियोफाज लोगे, उसमें डालोगे अपना डीएनए स्ट्रेट अवे एंड इसको इन्फेक्ट कराओगे. सो आपके बैक्टीरिया को इवन इफ इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन नहीं हो रहा, उसके अंदर जा रहा है आपका डीएनए, व्हीकल की तरह एक्ट किया. यस, दैट मीन्स इट इज अ गुड क्लोनिंग वेक्टर राइट. सो आप बैक्टीरियोफाज में डालोगे अपना डीएनए, मतलब जो आपका आइसोलेटेड डीएनए इलेक्ट्रोफोरोसिस से मिला हुआ, वो इन्फेक्ट कराओगे बैक्टीरिया को एंड बैक्टीरिया विल गेट इंसर्टेड विद द डीएनए दैट यू आर वांटिंग. बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियोफाज इंक्लूड, बहुत ही वाइड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज करते हैं, वन एग्जाम्पल इज लैम्डाफाज, सेकेंड वन इज M13. So you have M13 and lambda phage which are used as good vectors for carrying out successful DNA transfer in the complete bacterium using vectors. This is a type of vector which you can successfully use. Next in the list, or third in the list, is the category called BAC. That is bacterial artificial chromosome. अब नाम ही बता रहा है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मतलब हम सिंथेसाइज करेंगे बैक्टीरिया के लिए. यस, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम जैसे ये प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, वैसे हम कुछ डीएनए सेगमेंट्स को क्रोमोसोम्स के जैसे बैक्टीरिया में पूरी तरह से पूरे जीनोम में डाल देंगे. इससे क्या होगा, इससे हमारा जो डीएनए है वो बहुत एम्प्लीफाई होगा. क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया खुद की कॉपीज बना रहा है राइट. मतलब अगर आपके सॉल्यूशन में एक बैक्टीरिया है जिसके पास आपका डीएनए है राइट, अगर वो रेप्लिकेट करके सपोज से आपको एक घंटे में 100 बैक्टीरिया दे रहा है, तो आपके डीएनए के 100 कॉपीज बने, तो ऐसे रेप्लिकेट करके बहुत सारे आर्स में वो कितना बैक्टीरियम देगा, दैट मीन्स व्हाट, आपका डीएनए उतना एम्प्लीफाई हुआ. आप सोचोगे क्यों चाहिए इतना एम्प्लीफाइड डीएनए, हम तो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे थे. सर्टन एक्सपेरिमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी लाइक सीक्वेंसिंग, आपको डीएनए का सीक्वेंस पता होना चाहिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जैसे हुआ था. यस, वैसे किसी भी डीएनए का सीक्वेंस जानने के लिए उसकी कॉपीज तो चाहिए ना बॉस, इतने सारे कॉपीज लाओगे कैसे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दैट इज हाउ यू वर्क. एंड यही सिमिलर लाइंस पे, जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, वैसे ही सिमिलर लाइंस पे हमारा फोर्थ टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर आता है विच इज कॉल्ड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. सो इसमें क्या फर्क हो गया, आप सोचोगे बैक्टीरिया एंड यीस्ट यही फर्क है, नो. बैक्टीरिया बेचारा खुद इतना छोटू सा होता है, आप आपका पूरा जीनोम डालोगे कैसे रेप्लिकेट कर पाएगा, नॉट पॉसिबल. सो अगर आपका जीनोम जो भी है, मतलब जो भी आपका डिजायर डीएनए, उसका साइज मेगा बेस पेयर्स है, 10^6 बेस पेयर्स एंड ऑल, इतना तो झेल नहीं पाएगा, देन यू गो फॉर यीस्ट, बिकॉज यीस्ट में आप बड़ा डीएनए सेगमेंट्स को, बड़ा सा डीएनए सेगमेंट डाल सकते हो जो खुद ब खुद रेप्लिकेट होगा बहुत ज़्यादा टाइम,
That means what? You will get large amount of DNA which is very big in number. So, आपका DNA बहुत बड़ा है and ये बड़े DNA को आप replicate कर रहे हो. Yes, many a times. That goes with yeast artificial chromosomes. So, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome will be the major types. Yes, so ये हो गए हमारे चार types of cloning vectors जो हमारे लिए carriers या vehicles का काम कर रहे हैं to transfer DNA into the bacterium. आप plasmid लो, बैक्टेरियोफेज से इन्फेक्शन कराओ या फिर आप एम्प्लीफिकेशन के लिए बैक्टेरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को भी एम्प्लॉय कर सकते हो. दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट इंट्रोडक्टरी नोट ऑन क्लोनिंग वेक्टर्स. नाउ लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट लेसन जहां हम बात करेंगे ये पूरी स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है. हाउ आर दीज क्लोनिंग वेक्टर्स वर्किंग, हाउ डू यू गेट द डीएनए ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली एंड सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी. Yes, let's meet up in the next lesson where we talk some more interesting stuff regarding recombinant technology used for DNA transfer. Thank you so much.